अज श्री विवेकशील सोनी IPS सीनियर कप्तान पुलिस रूपनगर वालों प्रेस नोट राही जानकारी दिंदिया होया दस्या कि मिति 17/8/23 नूं पिंड जिंदवड़ी विखे इलाके दे मोतबर व्यक्ति श्री सुरिंदर सिंह कंग मालिक कुछ पैलेस दी रिहायशी ते पड़कसरा नाम मालूम व्यक्ति वालों गन पॉइंट ते डकैती मारी गई सी। इस संबंधी थाना श्री आनंदपुर साहिब विखे मुकदमा नंबर 100 380 506 342 392 149 PC 2549 आम एक्ट थाना आनंदपुर साहिब विच रजिस्टर किया गया। इस मुकदमे की संवेदनशीलता ते अहमियत नूं मुख रखते हुए डॉक्टर नवीन सिंह माल PPS कप्तान पुलिस श्री मनवीर सिंह बाजवा रूपनगर अते श्री अजय सिंह PPS की निगरानी हेठ इंस्पैक्टर सतनाम सिंह इंचार्ज CIA रूपनगर अते इंस्पैक्टर हरकीरत सिंह मुख अफसर थाना श्री आनंदपुर साहिब की स्पैशल इन्वैसटीगेशन टीम का गठन किया गया सी, जिस विच इस केस नूं एक वड्डी कामयाबी हासिल हुई, जिस विच गैंग लीडरां नूं लुटेरियां नूं लुधियाने विखे गिरफ्तार किया गया। दोषियां नूं अज अदालत विच पेश करके पुलिस रिमांड हासिल की जा रही है। पुलिस रिमांड नूं दोषियां दी पुछगिछ ते होर भी अहम खुलासे अते पहलां कीतियां वारदातां संबंधी अहम खुलासे होण की आस है। 17/3 को एक वारदात हुई थी जिदे विच कि एक कंग पैलेस के मालक है सुरिंदर सिंह कंग उन्होंने घर के एक चोरी हुई सी। चोरी जिहड़ी हैगी पिस्टल पॉइंट उपर की गई सी। जिदा ही ये चोरी हुई उहदे विच मौके उपर DSP साहब इंस्पैक्टर साहब अते इंचार्ज CIA मौके उपर पहुंचे ने ते इन्हां दे अंदर एक नवी एक स्पैशल इन्वैसटिगेशन टीम बनाई गई जो कि उहदी अपने एक बहुत ही मेहनत करके इंचार्ज CIA ने बहुत ज़्यादा जिहड़ा हैगा सुचारू तरीके दे नाल इस सारे केस नूं सॉल्व किया ते इहनूं सॉल्व करके इहदे विच हुण तक 3 लोगों की अरैसट हो चुकी है। इहदे विच टोटल 5 लोग आइडेंटिफाई होए हन जिहड़े कि इनवॉल्व सी इस केस दे विच। इस तों इलावा जिन्ना भी सोना गया सी उहदे विच थोड़ा जिहा पोर्शन छड के ते बाकी सारा जिहड़ा हैगा उह रिकवर हो चुका है। इस तों इलावा इहदे विच सानूं 4 पिस्तौल मिले हन जिन्हां विचों कि 2 32 बोर दे पिस्तौल हन अते 2 जिहड़े हैगे ने उह डमी पिस्टल्स हैगे ने जिहड़े कि इस वारदात दे विच इस्तेमाल कीते गए सन। ये साढ़े नोटिस आया भी ये पहले 3 बारी अटैम्प्ट कर चुके इस घर के उपर तो इन्हों पता सी घर के उपर बायोमैट्रिक जी एंट्रेंस सिस्टम लग्या हुआ है जिदे करके कि इन्होंने पहले अटैम्प्ट नहीं की। ये 3 बारी पहले भी कर चुके हैं तो ये जो हूँ जिस दिन वारदात होंगी है उस दिन एक रात पहले ही आके आनंदपुर साहब के रहन लग पेंदे है तो उस दिन सवेरे फिर इंसीडेंट ये वाला करके इतों भजते हैं। ये जी आह लेडी हैगी गुरनूर कौर यदा मेन रोल सामने आता है। इन्हें ही सारे बंदे इकट्ठे किए हैं। 2 बंदे जोड़े इन्हों के जो फड़े गए हैं उन्होंने भी क्रिमिनल हिस्ट्री है। इस तो अलावा एक जरा अपना बंदा हजे भज्या होया है दलजीत सिंह भी क्रिमिनल हिस्ट्री एग्जिस्ट करती है। यदा करनाल तो ये लिंक्स से जितों कि आइडेंटिफाई होकर करनाल जेल के भी रहे हैं सारे बंदे और अपने करके जेल तो इन्हें आपस में लिंक्स बने से जिस करके कि यह पूरी वारदात में जान। गुरनूर कौर वैसे फरीदकोट की रहने वाली हैगी है हूँ इस टाइम तो लुधियाना के रह रही थी। ये टैक्नीकल एनालिसिस के बेस उपर आप काफ़ी डिटेल्ड एनालिसिस किया गया। इस तो अलावा इन्हें शिनाख्त करने वाले CCTV फुटेज बहुत डिटेल एनालाइज किए गए। इस तो अलावा इन्हें बेचन जिते जिते भी आप जी इन्हें बेचन की सूँ डाउट से भी जिते जिते जाके बेच सकते हैं उन्होंने भी आप टच करके रखा हुआ है जितने भी कोई इदा की चीज़ बेचने लिया आता सूँ इनफॉर्मेशन इमीडिएटली जरूर आ। टारगेट इस एरिए बड़ा रिमोट विलेज ही है उत्थे ही टारगेट किया कैसे मतलब दिमाग के इन्वेस्टिगेशन पता लग गया क्यों हजे ये सानू जो एक होर बंदे का रोल सामने आ रहा है जिन्हें कि ओरिजिनल जिहड़ा आइडिया है उस अक्यूज्ड का आइडिया दोषी का आइडिया है पर अपना मैं हजे उस बारे डिस्कलोज नहीं करना चाहूँगा क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अजे कुछ प्रीलिमिनरी स्टेज के उपर है एक बार कंप्लीट होंगी आप जी लोगों को जरूर दस लोकल व्यक्ति तो बिना यह काम जो संभव नहीं है। बिल्कुल सही गल है आप भी इस चीज़ उपर काम कर रहे हैं। सर दसे देखा गया जो उन्होंने दसिया कुछ जो चोरी हुई थी जो पुलिस में जुर्ना भुलेखे पाने के उपर चढ़ गए थे कुछ बंदे कुछ इदा डिफाइन हो गए थे तो पुलिस ने इनवाइट किया पुलिस ने खेडा फिर दोनों पास नहीं ये मैं बहुत टेक्निकल डिटेल दसना नहीं चाहवागा बट वो इन्होंने जो कोशिश की पुलिस चकमा देने की कोशिश की बहुत देर तक कामयाब नहीं हो पाई। अब सूँ बहुत छेती पता लग गया से भी इकट्ठे ही है। मैं जी इंस्पैक्टर साहब ने बहुत मेहनत की
ਉੱਥੇ ਹਰਕੀਰਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਤੇ ਇੰਚਾਰਜ CI ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ DSP ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ SPD ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰਵੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲੇ 3 ਵਾਰੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਅਟੈਂਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ 3 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਇਹ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਲੇਡੀ ਹੈਗੀ ਗੁਰਨੂਰ ਕੌਰ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਰੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। 2 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਹਜੇ ਭੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹਿਸਟਰੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕਸ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕਸ ਬਣੇ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਗੁਰਨੂਰ ਕੌਰ ਵੈਸੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਬੇਸ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ CCTV ਫੁਟੇਜ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਐਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਚਣ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਟਾਰਗੇਟ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਰਿਮੋਟ ਵਿਲੇਜ ਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਓਰੀਜਨਲ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗਾ ਉਸ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗਾ ਪਰ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਹਜੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹਜੇ ਕੁਛ ਫਿਲਮੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਲ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਦੱਸਿਆ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ